नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। नए साल की शुरुआत आज कांग्रेसियों ने देहरादून में गांधी प्रतिमा के समक्ष सामूहिक उपवास से की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, दलित उत्पीड़न व पेंशनधारियों के लिए भाजपा नेता अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा हराओ उत्तराखंडियत बचाओ के नारे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। सुशासन व्याप्त हो तो हमने नए वर्ष के साथ गांधी जी का जो इस देश की स्वतंत्रता और एक लोकतांत्रिक समाज के प्रवर्तक रहे हैं तो मैं थोड़ा नीचे आकर के संकल्प ग्रहण किया है और हमारा संकल्प है कि भाजपा हराओ उत्तराखंडियत बचाओ। जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य में सरकार के चलते जिस प्रकार से दलित भाइयों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है और जिस प्रकार महंगाई चरम पर है, आज हर आदमी, हर व्यक्ति, हर चाहे वो छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे हमारी बहनें हो, हर वर्ग आज हतोत्साहित और एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हमने हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक गांधी प्रतिमा के सामने एक घंटे का मौन इस रूप में किया कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे। नए साल के पहले दिन कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि मुद्दा विहीन विपक्ष सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित है। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। पूरा हिंदुस्तान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौतरफा विकास कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनना है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, स्वाभिमानी भारत बनना है और शक्तिशाली भारत बन रहा है। दुनिया ने देखा है, दुनिया आज भारत का अनुसरण कर रही है। हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है कि इस कोरोना महामारी के समय में भी देश के 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को दो टाइम का भोजन उपलब्ध कराने का काम हो, या दुनिया का सबसे बड़ा मेगा वैक्सीनेशन को पूरा करने का काम हो जिसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक लग चुका है, ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो स्वदेशी टीकों का भी जो है यहाँ पर निर्माण किया गया है। हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए मुद्दा विहीन है। 5 दिनों में मुख्यमंत्री धामी के कुछ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी विभागों के समेकित प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला किया गया था। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए सभी अस्पतालों में तैयारी पूरी कर ली है। हमने दोनों तैयारियां की हैं। कल हमने इसके लिए बड़े उच्च स्तरीय एक बैठक की है, बहुत समीक्षा की है, लंबी समीक्षा, और उसमें हमने ओमिक्रॉन की जो बचाव है उससे संबंधित भी सभी बातों पर विचार किया है और जो जरूरी काम है हम उसके लिए कर रहे हैं। जो है हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, स्कूल हैं, कॉलेज है, सभी जगह पर हम जो है टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं और रैंडम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 15 से 18 साल के बच्चों का अभी वैक्सीनेशन होना है उसको लेकर हमने सारी बीसी कर ली है, सभी जिलाधिकारियों से और चिकित्सा अधिकारियों से बात हो गई है और हमारा लक्ष्य है कि 7 दिनों में हमारे जितने भी बच्चे हैं 6.5 लाख के लगभग उन सभी को पूरी तरह से वैक्सीनेशन करो। रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कॉर्बेट के अध्यक्ष ब्रह्मोश चंद गुप्ता के नेतृत्व में नया साल रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पॉल हैरिस के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। गीत संगीत व नृत्य से कलाकारों ने मंत्रमुग्ध कर दिया। डॉक्टर दीपिका गुड़ियात्रे ने कार्यक्रम का संचालन किया। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने काशीपुर में 117 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 10 सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर गुरसेवक सिंह, मंगल सिंह कुहर, झरमल सिंह गोपी, मंगल सिंह देवल, दलविंदर सिंह आदि मौजूद रहे। खेत वाला फोटो जाता था, तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ। बताए
काशीपुर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल ने आज नए साल के पहले दिन बाजार में व्यापारियों से संपर्क कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के व्यापारियों की सच्ची तैशी है। उनके साथ बार अध्यक्ष इंदर सिंह, नितिन कौशिक, कृष्ण कुमार अग्रवाल, सूर्य प्रताप सिंह, मुशर्रफ हुसैन, अर्पित मेहरोत्रा, अमित मनचंदा, राजीव सेतिया, डम्पी, रोशनी बेगम, सचिन गोयल, नवीन अग्रवाल आदि थे। उधम सिंह नगर में तैनात पुलिस कर्मचारियों एवं उत्तराखंड की मिसेज इंडिया क्लासिक क्वीन संगीता छापड़ा ने नोएडा में आयोजित मिसेज क्लासिक इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स 2021 का ताज जीतकर प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है। संगीता आज काशीपुर एसपी कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुई। नमस्कार, मेरा नाम संगीता है, मैं उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत हूँ, साथ ही मैं डेप्यूटी कोच और नेशनल रेफरी भी हूँ। और मैंने इस अभी उधम सिंह नगर में पोस्टेड हूँ और मैंने MIHQ दिस इज इंडिया क्वींस ऑफ हार्ट सेशन 4 में प्रतिभाग किया, जो कि प्रतियोगिता 8 दिसंबर को संपन्न हुई, क्राउन प्लाजा नोएडा में संपन्न हुई है। और इस प्रतियोगिता का मेन मोटो ये है कि महिला सशक्तिकरण, महिला इम्पावरमेंट, कि महिलाओं को अपने सपनों को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। एज डजन नॉट, एज जस्ट लाइक ए नंबर। आपके अगर सपनों में उड़ान है तो आप किसी भी समय अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। काशीपुर के युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता आशीष अरोरा बॉबी को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर मां मनसा जागरण मंडली काशीपुर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आशीष अरोरा बॉबी ने कहा कि आगामी चुनाव में जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय गोतियाल जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, आशीष अरोरा बॉबी जिंदाबाद, आशीष अरोरा बॉबी जिंदाबाद, आशीष अरोरा बॉबी जिंदाबाद। तेल जो आता है लीटर वही मिल जाए, जो पुराने खर्चे हैं बच्चों के वही मिल जाए, बस हमें वही दे दो, हमें अच्छा दिन चाहिए, हमें बुरे दिन दे दो। सीमांत क्षेत्र बनबसा में चंपावत व उधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों, SDM, SSP, SP और नेपाल के अधिकारियों की बैठक में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों देशों के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था, कोविड, तस्करी आदि मुद्दों पर बातचीत हुई। नेपाल के अधिकारियों ने पूरा सहयोग देने की बात कही। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। तो ये हमारे बैठकें होती रहती हैं, तो जो हमारे विषय रहते हैं उन पर चर्चा की गई, उसके अतिरिक्त कोविड की क्या स्थिति है, उनके यहाँ क्या स्थिति है, हमारे यहाँ क्या स्थिति है, उस पर कुछ बातें की गई। कुछ हमारे जो चुनाव आने वाले हैं उसमें सहयोग की अपेक्षा की गई, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जो सहयोग उनके द्वारा दिया जाना चाहिए वो उनके द्वारा दिया जाएगा। इंडिया का उत्तराखंड का चुनाव होने वाला है, वो चुनाव के लिए नेपाल की तरफ से भी बहुत अच्छा से सहयोग करने का हमने वादा किया है। ये अनधिकृत गतिविधि न होने के लिए जो गतिविधि होना चाहिए वो गतिविधि नेपाल की तरफ से नहीं होगा, और ये पूर्व के क्षेत्र में होने वाला अनधिकृत गतिविधि का रूप में इंफॉर्मेशन का शेयर करना, कोरोना का टेस्ट और वैक्सीनेशन का करना, ये हमने बात किया। अच्छा, प्रशासन की सख्ती के बावजूद खनन माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। जसपुर के उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि ग्राम हजीरो व रामनगर वन क्षेत्र में छापे के दौरान कुछ खेतों से बिना अनुमति के मिट्टी निकाली गई थी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। छापेमारी की गई थी जिसमें कि हजीरो और रामनगर वन में छापेमारी की गई है, तो मौके पर देखा कि 2-4 जो खेत ऐसे हैं कि जहाँ पर परमिशन नहीं दी गई थी वहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिट्टी निकाली गई है, उसका आकलन किया जा रहा है। आकलन जैसे ही यहाँ पर रिपोर्ट आती है तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। नए साल पर प्रकृति हमारी धरोहर संस्था ने कुंडेश्वरी की बस्ती में केक काटा, साथ ही बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। संस्था का ध्येय है कि शिक्षा सबका अधिकार है। Yeah!
अभी नहीं हुई। अल्मोड़ा के माँ विमलकोट मंदिर और चितई गोलजी मंदिर में नए साल पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिरों में मेले का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड समेत देश भर के लोगों की इन मंदिरों के प्रति अटूट आस्था है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत आज जीजीआईसी काशीपुर में विधायक हरभजन सिंह चीमा व मेयर उषा चौधरी ने 10वीं व 12वीं की छात्राओं को 150 टैबलेट वितरित किए। मैं आपके भाव को भी जान सकूं और इस भाव से जो आप इतनी शांति से आप लोगों ने जब जोर से आवाज बोल रही थी तब सुनी, तो मैं निश्चित ही मैं इसको समझ चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर शिक्षा के प्रति जो भाव है वो आपको उत्तरोत्तर आपकी प्रगति करेगा और निश्चित ही जो आप पंख वो आप उड़ पाएंगे। जिस तरह हम देखते हैं ना, एक पक्षी होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो बार बार उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, और एक समय ऐसा आता है कि उड़कर फुल ऊपर चला जाता है आसमान में। तो मैं यही चाहूंगी आप सब के जो सपने हैं वो इसी तरह पंख लगाकर आप सब ऊपर उड़ान भरते रहें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।